सती के विरह में उन्मत्त शिव के भयंकर रुद्र नृत्य से सृष्टि को ध्वंस होने से बचाने के लिए श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह को कई खंडों में खंडित किया। सती देह के वो दिव्य खंड पृथ्वी के जिस जिस स्थान पर गिरे उन स्थानों को पवित्र सतीपीठ नाम से जाना गया। सती की तीन नयन मणियां 30 योजन की दूरी पर त्रिभुज की आकृति लेकर तीन स्थानों पर गिरी। राजगीर के पास मिथिला में त्रियोगी नदी की पूर्व दिशा में सती देवी की बाई नयन मणि गिरी। उसी जगह पर सृष्ट हुआ है नील सरस्वती तारापीठ। बांग्लादेश के बगुड़ा जिले की करतोआ नदी के किनारे पर चांदाई कोने के पास सती देवी की दाहिनी नयन मणि गिरकर सृष्ट हुआ है भवानी तारापीठ। बीरभूम जिले के रामपुरहाट में द्वारका नदी की पूर्व दिशा में चंडीपुर गांव के शमशान में श्वेत सिमुल वृक्ष मूल पर सती की ऊर्ध्व नयन मणि गिरकर श्रेष्ठ हुआ महापीठ तारापीठ। ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ देव ने इसी जगह पर पंचमुंडी के आसन पर तपस्या कर सिद्धि लाभ की और मां की शिला मूर्ति पाई। उसके पश्चात माता की असीम कृपा से कई मुनि ऋषियों ने इस पुण्य क्षेत्र महापीठ तारापीठ में सिद्धि लाभ की। संबत 1895 की शिवरात्रि के तृतीय प्रहर में वीरभूम जिले के अंतर्गत तारापीठ के पश्चिम दिशा में 1.5 कोस की दूरी पर आटला गांव में मातृसाधक सर्वानंद चट्टोपाध्याय की कुटिया में माता राजकुमारी देवी के गर्भ से जन्म ग्रहण किए महासाधक बामा खैपा। महापीठ तारापीठ के महाशमशान में मां तारा के आशीर्वाद से वामदेव ने सिद्धि लाभ करके जगत के कल्याण हेतु इस पुण्य भूमि में दिव्य लीलाएं की। आज भी बिना किसी भेदभाव के मां तारा और वामदेव की कृपा से हम सभी धन्य हो रहे हैं। मां के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हे मां, सबके मन से सब द्वेष और क्लेश मिटाकर जगत का कल्याण करो। मां, मेरी मां तारा, जगत का कल्याण करो। काली तारा महाविद्या महासिद्धि प्रदायिनी महाविद्यासु सर्वासु कलौ सिद्धिरनुत्तमा। ॐ नमः प्रत्यलीलपदार्पिताङ्घ्रि शवदीदघुराट्टहासापरा खर्गेन्दिवरकर्तिपखर्वरभुजा हुङ्कारो विजद्भवा खर्वनीलविशालपिङ्गल जटाजूटैकनागरयूता यज्ञस्य कपालके श्रीजगतां हन्तु ग्रोताराशयम्। ॐ रितारादिव्यै नमो नमः। जागो जागो उग्र तारा जाग माहा माया जागो जागो तारा तारिणी जागो जागो उग्र तारा जाग माहा माया जागो जागो तारा तारिणी जा
शुक्र तारा जागो। धन कैसी चतुर्भुज मुंड माला विभूषित, धन कैसी चतुर्भुज मुंड माला विभूषित, की कृपा से ये चांद सूरज निकलता है, रात दिन होता है, उसकी जय हो। जय तारा, जय तारा। देखो इस चिपकली को कितना आनंद हो रहा है, भीन गांव से इसकी दुल्हन जो आ रही है। देखा तो खंडमी करने का और कोई जगह नहीं मिला। 10 मील दूर के गांव को हम लोग भीन गांव बोलते हैं, वहां से छिपकली की दुल्हन आ रही है, यह भी संभव है? खंडमी करने का जगह नहीं मिला। अरे तारा माँ की इच्छा से सभी संभव है, इच्छा मई तारा की इच्छा से युग पलट जाते हैं, और सामान ये छिपकली की शादी। वो किसान आ रहा है बिचाली लेके। प्रणाम बाबा, प्रणाम। पिछले साल मैंने कहा था अगर मेरी बंजर जमीन पर धान होगा तो तुम्हारे चाल पे बिछाने के लिए बिचाली दे जाऊंगा, तो इस साल तुम्हारी कृपा से जमीन पर बहुत धान हुआ, उसी लिए बिचाली लेके आया हूँ। तो कहाँ रखूं बाबा? उस उठन पे रखो। वो देख देख देख, बिचाली में बैठकर भीन गांव से छिपकली की दुल्हन आई कि नहीं, जा रही है उस चाल पे अपने स्वामी के पास। देखो दोनों का कैसे मिलन हुआ। तो अब बोलो भीन गांव से दुल्हन आई कि नहीं, छिपकली की शादी हुई कि नहीं? इसमें इतना बोलने का क्या है, बिचाली में छिपकली आ ही सकती है और अस्थाना बनाने के लिए चाल पे जा ही सकती है, इसके साथ तारा माँ का संपर्क क्या? बाबा मैं मंदिर में माँ की पूजा देकर आऊं। ये सब बड़ी माँ की ही इच्छा, जो कहलाए वही कहता हूँ, ये सब उन्हीं की ही लीला है, उनकी ही लीला। जय तारा, जय तारा। आशीर्वाद करता हूँ माँ की कृपा से, सफेद बालों में सिंदूर पहनो और स्वामी पुत्र को लेकर सुख से घर संसार करो। इस बार बच्चू जाओगे कहाँ? भंडामी पकड़ा गया तो वो मुंह से जो बोलता हूँ सब तारा माँ बुलवाती है, ताक के देखो किसको क्या आशीर्वाद दे रहे हो।
इस मुंह से माँ जो बुलवाई है ठीक ही बुलवाई है। सादा चूल में सिंदूर पहनो, स्वामी पुत्र लेकर घर संसार करो, आंखें खोल के देखो वो विधवा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बोल माँ बोल, इस मुंह से जो बुलवाई है सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य। बहू तुम जिंदा हो? हाँ जी। ये हमारा बेटा है? हाँ हाँ जी। तारा माँ की कृपा से मैं और तुम्हारा बेटा दोनों ही जिंदा है। ये कैसी बात हुई? स्वामी रहते हुए भी तुम विधवा के वेश में? मैं सब बोलता हूँ पंडित जी। उस वर्ष दुर्गा पूजा के समय मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ लेकर नाव से नदी पार करके घर लौट रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान आ गया जिसमें हमारी नाव डूब गई। हम लोग बिछड़ गए। सब अपनी अपनी जान बचा रहे थे। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज था। मैं एक लकड़ी को पकड़कर चिल्लाया, बेटा बेटा कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो तुम? सिर्फ पानी की आवाज कानों में आई और कब होश खो दिया पता नहीं। जब होश आया तो खुद को नदी किनारे पे परा पाया। एक बूढ़े दंपति ने मेरी रक्षा की। मैंने भी तुम्हें बहुत बहुत ढूंढा था, फिर इस माँ की कृपा से लकड़ी को पकड़ कर किनारे उठी, एक घर में आसरा मिला। उसके बाद से मैं तारा माँ के पास रोज आती थी और माँ को कहती थी, माँ तू दया कर, माँ कृपा कर, सब लौटा दो माँ, मेरा सब लौटा दो, सब लौटा दो। आज माँ की कृपा से हमें सब कुछ मिल गया। तो बोलो देखो माँ की कैसी दया। ए बहू को लेके जाओ माँ के मंदिर में, मेरा नाम करके एक लाल साड़ी पहना दो और तारा माँ की चौकट का सिंदूर लेकर इसकी मांग भर दो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जय तारा जय तारा। अच्छा बाबा, तारा माँ तो थी इस जंगल में शिमूल की वृक्ष के नीचे, तो माँ को मंदिर में किसने प्रतिष्ठित किया? सुनोगे? सुनेंगे, हाँ बाबा, सुनेंगे सब। बोलिए बोलिए बाबा। सुनो तब, एक सुंदर कहानी है। आज से बहुत वर्ष पूर्व की बात है, दक्षिण देश में जयदत्त नाम का एक शिव भक्त व्यापारी था। एक बार व्यापार में जाने का मन हुआ। शिव की पूजा करके 7 बज्रों के साथ जलपथ से रवाना हुआ। मीठे मीठे गीत सुनाए, मीठे मीठे गीत सुनाए, दरिया की ये धार, खेवत जाओ रे भाई नैया, जाना है उस पार। मीठे मीठे गीत
गीत सुनाए दरिया की ये धार। खेवत जाओ रे भई नैया जाना है उस पार। पेट में अन्न पानी कुछ नहीं गया, सामने लंगर डाल के कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। चलो चलो सब चलते हैं, चलो जुगाड़ जनता करो। ठीक है, वही करो, मैं भी पूजा निवृत्त कर लेता हूँ। जय श्री विशंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मालिक मालिक सर्वनाश हो गया, छोटे मालिक को काल सप ने डंस लिया। हे शिव शंभू, ये तुमने क्या किया? मैंने तो ज्ञान रहते हुए किसी का अनिष्ट नहीं किया, तुम्हारी पूजा किए बिना कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। क्यों क्यों मेरा ये सर्वनाश? दया करो भोलानाथ, कृपा करो, बोलो बोलो कैसे मैं घर लौटूंगा। एक बात बोलू, सोल मछली काट के वन में एक तालाब में धोने गया था, वो मछली जिंदा होके वापस तालाब में चली गई। छोटे मालिक को वापस उसी तालाब में डुबाने से नहीं होगा? मेरा माथा कोई काम नहीं कर रहा है, जो ठीक समझो वही करो। अरे देवदत्त, बात करो बेटा, बात करो। ए, सब सब लोग ठीक से पकड़ो छोटे मालिक को। लौटा दो प्रभु, लौटा दो मेरे देवदत्त को, लौटा दो। अब तालाब में डुबाते। जय तारा, जय तारा। बाबा बाबा, तारा माँ ने मुझे स्वस्थ करके तुम्हारे पास भेज दिया है। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ, मुझे सातों जन्मों की संपत्ति मिल गई। जय शिव शंकर, तुम्हारी करुणा का अंत नहीं है। लेकिन लेकिन तारा माँ कौन है, कौन सी महिमा छुपी हुई है यहाँ, यह मुझे जानना ही होगा। अरे अरे तुम लोग व्यापार में जाओ, मैं यहाँ पे तारा की साधना में बैठूंगा। जय तारा, जय तारा, जय तारा। मेरी मनोकामना पूरी करो माँ तारा, तुम लोग रवाना हो। अच्छा बाबा, हम लोग वाणिज्य करके वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। तारा माँ, दर्शन दो, दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन बिना मैं ये जीवन त्याग दूंगा। दर्शन दो माँ, दर्शन दो, दर्शन दो। जय दत्त, तेरी साधना से मैं खुश हूँ वत्स। मैं यहाँ की अधिष्ठित देवी उग्र तारा। वत्स जय दत्त, मेरी इच्छा यहाँ तुम मंदिर प्रतिष्ठा करके नित्य पूजा करो। माँ, इस वन में मैं किस तरह मंदिर की प्रतिष्ठा करूँगा? कहाँ मिलेगा इतना सामग्री, कहाँ मिलेंगे इतने लोग जन? इसकी चिंता
तुम मत करो। मैंने तुम्हारी बेटी को स्वप्न देश में सब बता दिया। बहुत सी धनराशि व आदमियों को लेकर वो जल्द ही यहाँ उपस्थित होंगे और द्वारका नदी के पूर्व दिशा में श्वेत शिमूल वृक्ष मूल पर मेरी शिला मूर्ति है। मंदिर में देवी रूप में आवरण देकर मेरी प्रतिष्ठा करो तो मैं तुष्ट होंगी वत्स। तुम होगे मेरे पहले पुजारी। जय माता रा। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ माँ। तब तुम्हारी इच्छा अनुसार ही ये कार्य हो माँ। इच्छा मई तारा तुम, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो माँ, पूर्ण हो माँ। संकाशं नागरूपो धरंग शुभम विद्युत कोटि समायुक्तं बर्णि भाषरलोचनं शार्थोत्री बलय प्रेतं जटाकोट क्रोशं स्थितं महालावण्य संयुक्तं सूरासूर नमस्कृतं सूर्य विद्युत प्रभुं आषणो महारत्नं शीरभोरि एतद्रूपं महाकायं देवैरूपिषु पूजितं देवैरूपिषु पूजितं तुम लोगों ने व्यापारी जयदत्त की कहानी कैसे तारा माँ की जंगल से मंदिर में प्रतिष्ठा हुई। हाँ बाबा सुना। अपूर्व इस पश्चात क्या हुआ सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। दुख के मारे भात के लिए तारा माँ की मंदिर में काम मिला। एक दिन देरी से उठने के कारण प्रधान पुरोहित ने खाना तो दिया ही नहीं, उपरंत खूब मार धोर करके मंदिर से भगा दिया। भूख प्यास के मारे रोते रोते शमशान के पंचमुंडी आसन के पास शिमूल वृक्ष के नीचे कब से सो गया मालूम नहीं। जब नींद टूटी गहरी रात थी। आंखें खोल प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम तमेश्वरि देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महिष्य रूपेण यतः स्थितासि अपांग सर्वस्थितया तवैतया पायते कृष्णमलङ्घ वीर्य त्वांग वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्य विश्वस्य बीजंग परमाशि माया सनमहीतं देवी समस्तमेतत् त्वंग वै प्रसन्ना भूवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदः श्रीय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया परमक्तैः सर्वस्यो बुद्धिरूपेण जनशोरीनिसगस्थीते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलो मङ्गल।
कल्ये शिवे सर्वात्म साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी दुराश्रये कुलमये नारायणी नमस्तुते। कैसा लौकिक अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ, ये भी क्या संभव है? पानी के ऊपर कोई आदमी क्या चल के आ सकता है? वाणी में माँ की अपूर्व स्तुति गाथा ना, ना ये कोई भूल दिख रहा हूँ मैं। पिताजी के मुंह से सुना था शिल्प प्राप्त कैलाशपति बाबा इस तरह की अलौकिक लीला किया करते थे, तो क्या ये वही है? देखा जाए। आश्चर्य, अरे शमशान में नरमुंड से निर्मित घर के सामने सूखे हुए तुलसी के पौधे को अपने कमंडल के जल से पुनर्जीवित कर दिया, तो ये वही साधक है। इनके शरणापन्न तो होना ही होगा, तभी मुझे बड़ी माँ का दर्शन मिलेगा। बाहर कौन है? मैं बामा हूँ बेटा। बामा, ये क्या? तुम्हें ही तो मैं इतने युगों से खोज रहा हूँ। अरे, तुम्हारे लिए ही तारा माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। श्री गुरु बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लो, शिष्य बना लो। बड़ी माँ को देखना चाहता हूँ। तुम्हारी कृपा नहीं होने से बड़ी माँ को देख नहीं पाऊंगा। वचन दो बाबा, वचन दो, नहीं तो मैं ये तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। रो मत, रो मत, पाँव छोड़ो, उठो, आओ मेरे साथ। अरे बड़ी माँ के दर्शन पाने के लिए पहले छोटी माँ की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी साधना में बैठ पाओगे। पहले अनुमति लेके आओ, उसके बाद ही सब कुछ। उसके लिए आप मत सोचिए बाबा, ये मैं गया और आया। देखो, तुम मुझे छोड़ के मत चले जाना। मैं आटला जाकर माँ की अनुमति लेता हूँ। जय तारा, जय तारा, जय तारा, जय तारा। आज कितने दिन हो गए बामा को नहीं देखा। देखने के लिए आंखें तरस रही है। माँ, माँ, उसे एक बार तुम मेरे पास भेजो, उससे मेरी आत्मा को शांति मिले। माँ, माँ, मांगो, माँ, मेरी छोटी माँ कैसी हो? मेरी छोटी माँ यही है। बामा आए हो? अब बेटा, अरे इतने दिनों बाद तुझे इस दुखी माँ की याद आई बेटा। माँ, मैं क्या तुम्हें भूल सकता हूँ? तुम जो मेरी गर्भधारिणी माँ हो, तुम्हारी कृपा से ही इस जगत को देखा है। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं बड़ी माँ को देखूंगा। तुम मुझे अनुमति दो माँ, अनुमति दो। बामा, माँ ये तू क्या बोल रहा है बेटा? संतान के लिए माँ अपना कलेजा भी निकल कर दे सकती है बेटा, किंतु संतान खोने का दुख माँ नहीं सह सकती है। ये अनुमति मैं तुम्हें नहीं दे सकती बेटा, नहीं दे सकती। तो क्या मैं बड़ी माँ को इस जीवन में कभी देख नहीं पाऊंगा? बड़ी माँ, मुझ पे दया करो माँ, मुझ पे दया। राजकुमारी, राजकुमारी, बामा मेरा मानस पुत्र है। जगत के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानव की मुक्ति के लिए, मेरी साधना के लिए उसे अनुमति दे, नहीं तो
बामा को खोदोगी। बामा मेरा है, बामा मेरा है, बामा मेरा है। माँ, माँ, ओ माँ, मैंने भूल की है माँ, भूल की है। बामा, बामा तुम्हारा है, तुम्हारे काम के लिए मुझे जितनी भी कष्ट हो उसे मैं अनुमति दूंगी माँ, मैं उसे अनुमति दूंगी माँ। माँ तुम्हारे बामा की तुम्हें रक्षा करो, कृपा करो, करुणा करो माँ, करुणा करो। छोटी माँ, छोटी माँ, पिताजी ने मरते समय कहा था तो फिर क्यों ये बाधा। पाँव पकड़ के मिन्ती करता हूँ, अनुमति दो माँ, अनुमति दो, अनुमति दो। अनुमति दी माँ, तो मुझे वचन दो बेटा। क्या वचन माँ? वचन दो। क्या वचन माँ? जब भी मैं तुझे याद करूँ बेटा, तब भी तुझे मैं देख पाऊँ। माँ, मुझे छू कर वचन दो बेटा, मुझे छू कर वचन दो। वचन दिया माँ, वचन दिया। प्रभात में, निशीत में, निद्रा में, जागरण में, जब भी तुम मुझे बुलाओगी तभी मैं जिस अवस्था में जहां भी रहूं तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही आऊंगा माँ। चरण धुली दो माँ, विदाई विदाई माँ, विदाई जन्मभूमि, विदाई अटला गांव, विदाई 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 विदाई। बामा आ रहा है छोटी माँ की अनुमति लेकर। जय तारा, जय तारा, जय तारा। श्री गुरु बाबा, श्री गुरु बाबा, श्री गुरु बाबा। छोटी माँ ने मुझे अनुमति दे दिया है, अब मुझ पे कृपा करो श्री गुरु बाबा, अब मुझ पे कृपा करो। मैं जानता हूँ रे, अनुमति तुझे मिलेगी ही, सभी तुम्हारी बड़ी माँ की इच्छा है। अभी चलो वेदज्ञ मक्षदानंद के पास, अगले कार्तिक महीने के अमावस्या के काली पूजा में उस वशिष्ठ द्वारा प्रतिष्ठित सिमुल तला के 5 मुंडी के आसन में तुम्हारी दीक्षा होगी। अब विराचार पंच महाकार साधना के संबंध में मोक्षदानंद से सब समझ लेना। जय तारा, जय तारा। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। तंत्र साधना के बारे में कितना कुछ सिखा रहे हैं वेदज्ञ बाबा, किंतु बड़ी माँ मेरा मन नहीं मान रहा है। कब तेरा दर्शन होगा माँ? दर्शन दो बड़ी माँ, दर्शन दो, दर्शन दो। तेरे विरह की यंत्रणा में और सहन नहीं होता माँ, और सहन नहीं होता माँ। माँ और बेटे की मिलन होगा, इसमें इतना अनुष्ठान और नियम क्यों माँ? दर्शन दो बड़ी माँ, दर्शन दो, दर्शन दो माँ। आज कार्तिक महीने की अमावस्या की काली पूजा, आज ही बामा की दीक्षा होगी। तारापीठ के महाशमशान में होगा एक महायज्ञ, वो देखिए। वेदज्ञ मोक्षदानंद, शक्तिधर ब्रजवासी मुनिवर, तारापीठ का महाशमशान आज जैसे जाग उठा है, माँ के आशीर्वाद से ये महालीला में मग्न हो उठी है। आओ बामा, द्वारका में नहा कर आए हो तो? हाँ श्री गुरु बाबा, मैं द्वारका में स्नान निवृत्त होके आया हूँ। देख बामा, इस सिमुल वृक्ष के नीचे जो 5 मुंडी का आसन देख रहे हो, ये आसन ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिष्ठित है। जाओ
उस आसन में स्थान ग्रहण करो। किंतु ये क्या, आसन हिल क्यों रहा है? लग रहा है कोई धक्का दे के नीचे गिरा रहा है। मैं लाख चेष्टा करके भी बैठ नहीं पा रहा हूँ। श्री गुरु बाबा। माँ भोई, तुम्हारे पूर्व जन्म की साधना शक्ति हम तीनों सन्यासी आज इसे तुम्हें लौटा रहे हैं। श्री गुरु बाबा, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मेरी सारा शरीर सैकड़ों सूरज की ताप से जल रहा है, माथा फट के चूर चूर हो जा रहा है। मेरी रक्षा करो श्री गुरु बाबा, मेरी रक्षा करो। और भय नहीं है, जो शक्ति हम लोगों ने तुम्हें दी है और कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। जाओ उस आसन पे जाकर बैठो। सुनो, एक निष्ठ मन से, निर्भीक चित्त से ये मंत्र जाप करना। कोई भी प्रलोभन में मत पड़ना, किसी भी चीज से भयभीत मत होना। जितनी भी बाधा क्यों ना आए, अपने आप को तारा माँ के चरणों में समर्पित कर देना। अब हम तुम्हें बीज मंत्र प्रदान कर रहे हैं। ओम अड़ी तारा देवी नमो नमः। ओम अड़ी तारा देवी नमो नमः। ओम अड़ी तारा वो देखो बामा तारा माँ के ध्यान में लीन हो गया। जाग उठा तारापीठ का महाशमशान। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कितने भयंकर विभीषिका तुम लोग कौन हो? मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, कंकाल रूपी मानव देह, बड़े बड़े बाहे को फैलाकर मुझे निगलने आ रहे हो। भूत प्रेत राक्षस, जाओ जाओ दूर जाओ। ये क्या सर्प मुझसे लिपट जा रहा है? बाघ मुझे ग्रास करने आ रहा है? नहीं, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। आग, तारापीठ का शमशान दाबाग्नि से भर गया है। लगता है जैसे मेरा शरीर इस दाबाग्नि में जल रहा है। श्री गुरु बाबा, रक्षा करो। ये कहां से इतना प्लावन हो रहा है? आकाश में घनघोर घटा छा रही है, बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान प्लावन सब डूब रहे हैं। मैं भी डूब रहा हूँ। श्री गुरु बाबा, माँ भोई, बिना विचलित हुए महाबीज मंत्र का जाप करो, सब बाधा कट जाएंगी। वो देखो, बामाचरण पुनः महायोग में लीन हो गया है। आइए आप सब, हम मंदिर की ओर चले। आहा, आहा,
क्या पूर्व स्वर्गीय वाद्य संगीत बज रहे हैं, चारों ओर फूलों की खुशबू बह रही है, आकाश में स्वर्ग ज्योति दिखाई दे रही है, आविर्भूता आदि शक्ति महामाया मां भवानी उग्र तारा, जय तारा जय तारा जय तारा। बामा बामा आंखें खोल कर देखो वत्स, बामा मैं आई हूं तेरी वांछित आकांक्षित बड़ी माँ। ओ आंखें खोल कर देखो मुझे। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे सामने खड़ी है आलोकित ज्योतिर्मयी उग्र तारा, साक्षात मेरी बड़ी माँ। आज आज मैं धन्य, आज मैं पूर्ण सार्थक हुआ मेरा जीवन। बामा वर प्रार्थना करो बेटा। माँ तुम्हारी दर्शन से ही मुझे वर लाभ हो गया है। माँ सुन बामा, मेरे वर से आज से तुम वाक सिद्ध हुए। तेरी इस साधना के फल से ये श्वेत शिमूल वृक्ष 7 दिनों में धराशायी होगा और द्वादश साधक मात्र 3 लाख जपों से साधना में सिद्धि लाभ करेंगे और अब से तुझ में ही मेरा अवस्थान होगा वत्स। कितनी शांति कितनी तृप्ति। जय तारा जय तारा जय तारा अनंत रूपिणी निखिल जननी, प्रणमे बर मांगे तुमसे नारायणी। अनंत रूपिणी निखिल जननी, प्रणमे बर मांगे तुमसे नारायण। भक्त को तारो सबको उधारो, त्रिगुण धारिणी त्रिलोक तारिणी, अनंत रूपिणी निखिल जननी, प्रणमे बर मांगे तुमसे नारायणी। सृष्टि लय भैरवी भवनी, वैष्णवी ब्राह्मणी कौमारी शिवनी, स्थिति लय भैरवी भवनी, वैष्णवी ब्राह्मणी कौमारी शिवनी। हे तर तारिणी तर पीठ वासिनी, अनंत रूपिणी निखिल जननी, प्रणमे बर मांगे तुमसे नारायणी। प्रणमे बर मांगे तुमसे नारायणी, प्रणमे बर मांगे तुमसे नारायणी।
बामा। बोलिए वेदज्ञ बाबा। तुम इस साधना से सिद्धि लाभ किए हो, अब से तुम इस तारापीठ के भैरव हो। अब हम लोगों की मुक्ति, कैलाशपति बाबा, मुनि गोसाई, वो लोग सब महाप्रस्थान कर गए हैं। मेरी मुक्ति होगी काशी में, मैं वहीं जाऊंगा। काशी जाओगे वेदज्ञ बाबा? मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं नहीं बामा, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? आप ठहरो, बड़ी माँ से अनुमति लेकर मैं आता हूँ। क्या रे, माँ ने क्या कहा? माँ ने अनुमति नहीं दिया, बोली काशी जाने से कष्ट होगा, मैं नहीं सुनूंगा बाबा। बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्ण के दर्शन होगा, गंगा स्नान करूंगा, अब चलो। तो माँ की जो इच्छा वही होगी, चलो। माँ सती देवी के देह का दक्ष यज्ञ के बाद श्री विष्णु द्वारा 51 खंडों में खंडित होकर जो 51 पीठ की स्थापना हुई, उसमें से एक पीठ है कालीघाट देवी तीर्थ। पहले उसी कालीघाट में दर्शन करके हम जाएंगे दक्षिणेश्वर। वहाँ रानी राशमणि के नाट मंदिर में माँ भवतारिणी के दर्शन करके श्री रामकृष्ण के साथ मिलकर रवाना होंगे काशी की तरफ। बाबा बाबा, बहुत अच्छा होगा। आदि गंगा में नहाकर कालीघाट के काली की पूजा करूंगा। देखा देखा वेदज्ञ बाबा, पांडवों का व्यवहार। माँ ने मुझे अपने समीप बुलाया आदर करके, इसीलिए तो मैं माँ को जाके पकड़ लिया। पांडे लोग सोचे कि मैं उनकी माँ को गोदी में लेके भाग जाऊंगा। जितने सब, इसका ये मतलब इस तरह से धक्का मार के भगाना होगा। चलो तो हम लोग दक्षिणेश्वर जाए। हाँ वही, चलो तो चलो। कहाँ हो मेरा रामकृष्ण भैया, कहाँ हो? सामने आकर मिलो हमसे। आओ आओ मेरा बामा, आओ, हम लोग माँ के मंदिर चले। माँ भवतारिणी को देखोगे? चलो। क्या पूर्व राज राजेश्वरी मूर्ति में माँ भवतारिणी विराज कर रही है। पास में यदि मेरी बड़ी माँ रहती, तब दोनों ही कितनी सुंदर लगती है। जय तारा। अरे माँ भवतारिणी, तारा माँ क्या अलग है रे? एक ही माँ के दो रूप, अच्छी तरह से देखो तो जरा तुम्हारी माँ भवतारिणी के मूर्ति में बड़ी माँ को देख सकते हो या नहीं। अरे बाबा, सच्ची तो भवतारिणी के आसन पर मेरी बड़ी माँ विराजित है। जय तारा, जय तारा, जय तारा, जय माँ भवतारिणी, जय माँ, जय माँ। देखो तो, आप क्या देख रहे हो? एक ही जगह में माँ भवतारिणी और मेरी बड़ी माँ, मेरी भूल भंग हो गई। मुझे क्षमा करो राम कृष्ण भैया।
दे, जो यहाँ वही वहाँ, सभी एक एक मिलकर एकाकार हो गया है, एकाकार हो गया है। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हाजी हाजी, हम लोग काशी की यात्रा करेंगे। अरे तीर्थ भ्रमण, कष्ट साधन, प्राण उचाटन, सब कुछ माँ के चरणों में विराजित है। गया, गंगा, वाराणसी। बड़ी माँ ने भी कही थी काशी जाने से कष्ट होगा, मैंने नहीं सुना। काशी जाऊंगा, बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करूंगा। अब चलता हूँ रामकृष्ण भैया, अब जाता हूँ, अब जाता हूँ। मेरा मेरा प्रणाम ग्रहण करो, मेरा प्रणाम ग्रहण करो। चलो वेदज्ञ बाबा, हम काशी चले। बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक हुआ। आओ बामा, देखो ये है दशाश्वमेध गंगा घाट, यहाँ बैठो। मैं गंगा में जा रहा हूँ, काशी में खतरा है राड़ सांड़ और सीढ़ी का, सावधान रहना, मेरे ना आने तक तुम कहीं मत जाना। ठीक है वेदज्ञ बाबा। देखते देखते 4 दिन बीत गए। वेदज्ञ बाबा जो गंगा में उतरे और वापस नहीं लौटे, सभी कहते हैं काशी में जो आता है वो कभी भूखा नहीं रहता। मान पूर्णा उसको आहार देती है, कहाँ मुझे तो नहीं दिया। कहाँ किस मंदिर में पूजा की घंटी बज रही है? तारा माँ का पागल बेटा बामा आज 4 दिनों से भूखा है, चलती हूँ भिखारिन के भेष में उसे अपना भोग खिलाकर आती हूँ। माँ, मैं तो यहाँ का कुछ भी नहीं जानता, इसलिए यहाँ बैठा हूँ माँ। 4 दिन से सिर्फ गंगा जल और बेल पत्ता के सहारे हूँ। आय हाय बच्चा मेरा, 4 दिनों से भूखे हो। देखो ना माँ, सभी बोलते हैं कि काशी में अन्नपूर्णा की दया से कोई भूखा नहीं रहता, किंतु कहाँ कहाँ तुम्हारी माँ अन्नपूर्णा ने मुझे खाना दिया। सुनो बच्चा, अभी मन मत करो, ये 4 दिन माँ अन्नपूर्णा का भी भोग आरती नहीं हुई। 4 दिन अम्बुवाची थी। ओ सुनते हो, माँ की मंदिर में भोग आरती की घंटी बज रही है। देखो ना बच्चा, मैंने भी 4 दिन से अम्बुवाची का उपवास किया है, तो अब तुम्हारी तरह किसी निष्ठावान साधु को भोजन करा के तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगी।
ये लो बच्चा, तुम्हारे लिए मैं अन्न लाई हूँ, तुम भोजन करो बच्चा। बच गया, कितने दिनों बाद भोजन मिला। अरे बाबा, सोने की थाली में भात, सोने की कटोरी में तरकारी, सोने की ग्लास में पानी, कितने सुंदर स्वाद। खाओ बेटा खाओ, पेट भर के खाओ। এই তো অন্নপূর্ণা কা ভোগ কা থালি গিলাস বাটি, বেটা ঝন্ডো চোর। সাধু বন কে মা অন্নপূর্ণা কা ভোগ কা থালি চোরি করকে খাতা হে। পকড়ো, মারো মারো মারো। নেহি নেহি, মানে ইয়ে চোরি নেহি কিয়া, এক বুড়ি মা ইয়ে মুঝে খানে কো দিয়া। বুড়ি খানে কো দিয়া, ঝুট বললে কা জগা নেই মিলা। দেখাও দেখাও কাহা বুড়ি, দেখাও। এই তো থি, कहाँ गया बुड़ी? बुड़ी क्या कपूर बन के उड़ गया ना क्या? बुड़बक बनाने का जगह नहीं मिला। मार 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 बेटा, बुड़बक बनाने का जगह नहीं मिला। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भागो यहाँ से, भागो यहाँ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ। मुझे मत मारो, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और नहीं सह सकता, भूख प्यास के मारे पैर नहीं चल रहा है। बड़ी माँ बात ना सुनकर मेरी ये दुर्गति, बड़ी माँ मुझ पे दया करो माँ, फिर कभी तुम्हारी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा बड़ी माँ, कभी नहीं करूंगा। नहीं, संतान के दुख और सहन नहीं होता। भील कन्या के रूप धर के बामा के पास जाती हूँ, इसकी शरारत से मैं थक गई। देखो फिर कहां भूखे मरे माँ माँ कर रहा है। अनजानी हूँ मैं तो अभी, तारिणी मेरा नाम, तारिणी मेरा नाम। अनजानी हूँ मैं तो अभी, तारिणी मेरा नाम, तारिणी मेरा नाम। हंसी खेली हुई बड़ी, तारा पीठ मेरा धाम, हंसी खेली हुई बड़ी, रही हो माँ। मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ माँ। आज बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया माँ, कुछ भी नहीं खाया। मुझे
मुझे कुछ खाने को दोगी माँ? खाओ ना बाबा, मेरी टोकरी में बहुत खाना है, जितना हो सके खाओ। तुम्हारा दिया खाना खाके मच किया माँ, किंतु मैं रास्ता भटक गया हूँ माँ। मैं तारा पीठ जाऊंगा, मुझे पथ दिखा। ओ, तुम तारा पीठ जाओगे? हाँ माँ। वो तो बहुत दूर। बहुत दूर? ठीक है, तुम्हें पद दिखा दूंगी, लेकिन मुझे गाना सुनाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है, चलो माँ। तो फिर चलो। लो आओ, मेरा हाथ पकड़ो। इसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अद्भुत शिहरन सी दौड़ गई। माँ चलना मई मेरे साथ चल कर रही हो, ठीक है? इतना आसान नहीं माँ, तारा भूला ही तू देगी मुझे। हाँ मैंने पहचाना रे गौरी दुर्गा भवानी तुझे। इतना आसान नहीं माता रा भूला ही तू देगी मुझे। हाँ मैंने पहचाना रे गौरी दुर्गा भवानी तुझे। इतना आसान नहीं माता रा भूला ही तू देगी मुझे। माँ ये आरती की घंटियाँ कहाँ बज रही है माँ? क्यों रे, तारापीठ मंदिर में तारा माँ की भोग आरती हो रही है। हम लोग तारापीठ पहुँच गए। आँख खोल के देखो ना, वो दूर मंदिर दिखाई दे रहा है। वही तो माँ का मंदिर। बच गया। बड़ी माँ बड़ी माँ, मैं आ गया हूँ। बड़ी माँ मैं आ गया हूँ। अब समझे माँ की बात ना सुनने की क्या सजा है? मैं छिप कर देखूँ क्या होता है। ओए तारा, जय माँ तारा। राज राजेश्वरी मूर्ति से सजी तुम मंदिर में बैठकर भोग खा रही हो, और मुझे यहाँ कितने दिनों से अनजल नसीब नहीं हुआ। जानती हो क्या बोल रही हो, भोग खाऊं? नहीं नहीं, अगर प्रधान पुरोहित फिर से मारे, ठीक है बाबा ठीक है, अभिमान मत करो। तुम अगर बोलती हो तो खाता हूँ। तूने माँ का भोग छूटा कर दिया। क्या मेरे बेटे को मारा? अभी मजा दिखाती हूँ। इतनी स्पर्धा, इतना दम। मारो 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 साले, मारो और जोर से मारो, मारो 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 साले। बाबा रे, मर गया, मर गया माँ। मुझे इस तरह से मत मारो माँ। मरो मरो बेटा, तुम्हारा मरना ही अच्छा है। मरो मरो बेटा। ये क्या,
सच में ही ये मर गया क्या? उसका माथे से रक्त बह रहा है। अरे जाओ उसे सिमुल वृक्ष के नीचे फेंक गया। किंतु ये क्या, ये किस आश्चर्य है? माँ का मंदिर डोल रहा है, माँ की ललाट से रक्त बह रहा है, भूकंप आ गया है। भागो भागो सभी भागो, मंदिर के द्वार बंद हो गए हैं। आज 3 दिन कट गए। बामा अचेतन अवस्था में भूखा पड़ा है शिमुल वृक्ष के नीचे। इसका मुझे कुछ विचार करना होगा। नाटोर के रानी को स्वप्न में आदेश देकर इसका कुछ विचार करना पड़ेगा। रानी भवानी, रानी भवानी, निश्चिंत हो के स्वर्ण पलंग पे सो रही हो? वहां तारापीठ में कितना अत्याचार व अनाचार हो रहा है उसकी कोई खबर है? राजकार्य में ही व्यस्त हो। कौन बुला रही है? कितनी अपूर्व ज्योतिर्मय रूप में माँ उग्र तारा। मेरा प्रणाम लो माँ, मेरा प्रणाम लो। मंदिर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम माँ, मुझे तुम क्षमा करो। कल प्रभात में ही मैं खुद इसका विचार करूंगी माँ। सुनो, मेरी मानस पुत्र बामा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं मंदिर के पुजारी पंडित लोग। इसका विचार चाहिए और अब से मेरे मंदिर में मेरी पूजा करेगा मेरा बेटा बामाचरण। सबसे पहले उसी का भोग होगा, उसके बाद होगा मेरा, उसके बाद चंद्रचूर शिव का। इसका अन्यथा ना हो, नहीं तो ध्वंस ध्वंस ध्वंस। ना ना मा ना, इसकी एक भी बात इधर उधर नहीं होगी मां। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ, क्षमा करो माँ, क्षमा करो, दया करो दयामयी, मेरा प्रणाम ग्रहण करो माँ, मेरा प्रणाम ग्रहण करो, मेरा प्रणाम ग्रहण करो, मेरा प्रणाम करो।
जो बाम जय जय तारा जय जय बाम जय तारा पीठ धाम जय जय तारा जय जय बाम जय तारा पीठ धाम जय जय तारा जय जय बाम जय तारा पीठ धाम जय जय तारा जय जय बाम जय